हेलो दोस्तों। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि लर्निंग लाइसेंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए उसमें मैंने लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट के बारे में नहीं बताया था। तो ये वीडियो उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट होने वाला है। इसमें मैं बताऊँगा कि लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से भी दे सकते हैं और लैपटॉप से भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में लैपटॉप के थ्रू बताने वाला हूँ, पीसी के थ्रू बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली फर्स्ट आप उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देख लेना है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको टैक रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है परिवहन। अब जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। सो वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में रहते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर पे ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट का, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। जब हमने फॉर्म भरा था तो हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिला था और आपके मोबाइल पर सेंड किया गया था, तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो कैप्चर हो रहा है वो डालना है, अगेन सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड डालना रहेगा। पासवर्ड यहाँ पर आप रीसेंट पासवर्ड पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेज दिया जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली अगेन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि किस लैंग्वेज में आप अपना टेस्ट जो देना चाह रहे हैं। सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो चेकबॉक्स दो दिख रहे हैं उनको आपको क्लिक कर देना है और अथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। अथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने रहेंगे। 20 क्वेश्चन से आपके मिनिमम 12 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए तभी आप इस टेस्ट में पास होगे। तो अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर रेडी हो जाएगा। सो टेस्ट कम्प्लीट करने के बाद अब आपको शो हो जाएगा कि आपके टेस्ट में पास हुए हैं फेल हुए हैं। सो अगर आप पास हो चुके हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप कैसे अपने लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब आपको अपना जो लर्निंग लाइसेंस नंबर शो हो रहा है उसको कॉपी कर लेना है। ये आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर रेडी हो चुका है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं। अगला वीडियो आने वाला है कि लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कैसे करें। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।